ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोडेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के कुछ नए FOTA अपडेट्स के बारे में। एंड यहां पर जो सबसे पहला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी A सीरीज़ में से आने वाले सैमसंग के काफ़ी शानदार और बेहतरीन स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी A52s 5G। यहाँ पर सैमसंग ने इंडिया के अंदर A52s 5G के लिए एक नया FOTA अपडेट रिलीज़ किया है। एंड यहाँ पर इस अपडेट की जो फाइल है, बेसिकली मैं आपको जो कंप्लीट अपडेट का स्क्रीनशॉट है वो आपको अभी आगे दिखा दूँगा। एंड यहाँ पर मैं थैंक्स करना चाहूँगा बिलाल को बिकॉज उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, सो थैंक यू वेरी मच। इस अपडेट की जो फाइल है 272 आई गेस इसी अपडेट इतनी अपडेट फाइल है, बाकी स्क्रीनशॉट आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पर मार्च 2022 का यानी कि लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी पे लेवल हमें देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 217 MB के आसपास की जो है अपडेट फाइल देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करके भी आपको दिखा दूँगा। बाय द वे यहाँ पर ये 5G मॉडल है, जो नॉन 5G है उसके लिए अभी तक नहीं आया, जो कि सैमसंग का गैलेक्सी A52 है उसके अंदर आएगा। अभी तक February 2022 का सिक्योरिटी पे लेवल ही चल रहा है। एंड यहाँ पर सैमसंग जो है बहुत जल्दी से उसके लिए जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पे लेवल है वो रोल आउट कर देगा। एंड जब भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें। बात करते हैं यहाँ पर हम अगले अपडेट के बारे में। यहाँ पर सैमसंग ने जो अगला अपडेट है वो सैमसंग के गैलेक्सी S9 स्मार्टफोन के लिए रिलीज़ करा है। यहाँ पर सैमसंग S9 एंड S9 Plus दोनों के लिए ये जो अपडेट है वो रिलीज़ किया गया है। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैमसंग ने मतलब इन दोनों के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज लेवल रोल आउट करा है। एंड ये दोनों ही स्मार्टफोन सैमसंग के क्वार्टरली सिक्योरिटी पेज में सर्वाइव करते हैं। मंथली सिक्योरिटी पेज ये क्वार्टरली सिक्योरिटी पेज में आ चुके हैं। 2019 में आई इनको रिलीज़ किया गया था। एंड इसकी जो अपडेट पॉलिसी है 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस की, उसमें से आई गेस अभी तक 3 एंड हाफ ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 2021-22 3 एंड हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेट का स्क्रीनशॉट है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिवाइस की जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव की गई है। यहाँ पर इसको सिक्योरिटी पेज अपडेट मिलने का एक ही रीज़न है कि ये सैमसंग का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन था और सैमसंग ने वादा किया था 4 साल के सिक्योरिटी पेजेस एंड 3 एंड हाफ ईयर ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसको जो है लगभग 1 साल तक के जो है क्वार्टरली सिक्योरिटी पेजेस मिलेंगे, उसके बाद में इसको जो है क्वार्टरली सिक्योरिटी पेज से भी शिफ्ट कर दिया जाएगा 3rd कैटेगरी में, जहाँ पर कि सैमसंग साल भर के लिए रखता है सिर्फ और सिर्फ, और वहाँ पर जो है 1 या 2 अपडेट मिलते हैं सैमसंग के उस स्मार्टफोन को। यहाँ पर हम बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो सैमसंग जो गैलेक्सी S20 FE है सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर जो है सैमसंग ने 1UI 4.1 का जो अपडेट है वो रोल आउट करा है बोथ वेरिएंट्स के लिए, चाहे हम बात करें स्नैपड्रैगन की चाहे हम बात करें एक्सिनोस वेरिएंट की। तो यहाँ पर बोथ वेरिएंट्स को जो है 1UI 4.1 का जो अपडेट है सैमसंग ने वो प्रोवाइड कराया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पर ये जो अपडेट है सैमसंग ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी रोल आउट कराया है। आई डोंट नो कि इंडिया के अंदर अभी तक आया या नहीं आया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पर भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके अंदर रोल आउट कराए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्जिनोस एंड स्नैपड्रैगन दोनों ही वेरियंट्स के लिए जो अपडेट अवेलेबल है। इंडिया में आई गेस हमें एक्जिनोस वेरियंट देखने को मिलता है इसका, बट उसके लिए भी जो अपडेट है अब अवेलेबल हो चुका है। तो हो सकता है अगर नहीं मिला है आपको तो फिर कुछ टाइम में मिल जाएगा, 1-2 दिन में, और अगर मिल गया है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो चलती लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।